So hello guys, welcome to Learning Hotspot. In today's video, we're going to discuss about gastrointestinal agents. So we'll see what gastrointestinal actually meaning is. So gastro means stomach and intestinal. Our intestine is small or large intestine. And where we act, the compounds and agents act, we call it gastrointestinal agent. One you have heard of GIT, gastro, I for intestinal. और लास्ट होता है टी टी फॉर ट्रैक्ट. तो गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट जिसके थ्रू हमारा सारा फूड जाता है और डाइजेस्ट होता है, तो उसी से ये वर्ड मिलता जुलता है गैस्ट्रो इंटेस्टिनल एजेंट. उसके बाद अगर हम देखें इसकी डेफिनेशन, तो गाइस डेफिनेशन कुछ ऐसी है हमारे पास. एजेंट्स यूज टू ट्रीट गैस्ट्रो इंटेस्टिनल डिस्टर्बेंस आर नोन एज गैस्ट्रो इंटेस्टिनल एजेंट. तो वो एजेंट्स यूज करते हैं टू ट्रीट गैस्ट्रो इंटेस्टिनल डिस्टर्बेंस, मतलब एनी टाइप ऑफ डिस्टर्बेंस, एनी टाइप ऑफ एबनॉर्मलिटी इन द GIT. तो उस वो एजेंट्स जो हम यूज करते हैं उसको बोलेंगे गैस्ट्रो इंटेस्टिनल एजेंट्स. आने हम इस वीडियो में ही हम उसके एग्जांपल भी देखेंगे. इनऑर्गेनिक एजेंट यूज टू ट्रीट GIT डिसऑर्डर इंक्लूड. तो ये वो है जो हम यूज करते हैं एजेंट्स. तो पहला है प्रोडक्ट फॉर ऑल्टरिंग गास्ट्रिन पीएच. अगर आपका पीएच बहुत ऐसे, मतलब पीएच आपका कम हो रहा है बहुत ज्यादा, ठीक है, तो उसको हम एसिडिफाइंग एजेंट या फिर एंटी एसिड यूज करते हैं. एंटी एसिड जैसा वर्ड कहता है, एंटी एसिड मतलब जो एसिड का उल्टा काम करे, मतलब अगर एसिडिटी हो रही है तो हम एंटी एसिड लेंगे, और अगर पीएच हमारा ज्यादा हो रहा है तो हम उसको एसिडिफाइंग एजेंट लेंगे. वैसे मोस्ट कॉमनली हम एंटी एसिड ही लेते हैं, पर ये दोनों मार्केट में अवेलेबल है, ठीक है. पहला प्रोडक्ट हुआ फॉर ऑल्टरिंग गास्ट्रिक पीएच, द सेकंड वन इज प्रोटेक्टिव एंड एड्सॉर्बेंट. प्रोटेक्टिव हम लेते हैं गास्ट्रिक जो वॉल है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम प्रोटेक्टिव ले लेते हैं. उसके बाद जो थर्ड है वो है सेलाइन कैथेटर्स और लैक्सेटिव. लैक्सेटिव आपको पता होगा क्यों हम लेते हैं, इट क्विकन्स द इवैक्यूलेशन और एम्प्टीनेस और ओपनिंग फ्रॉम बाउल्स. तो ये मेनली क्या होता है, क्विक कर देता है हमारा जो वेस्ट मटेरियल निकलता है ना, तो उसको फास्ट कर देता है लैक्सेटिव्स. इस मारे हम इसको यूज करते हैं. तो बेसिकली हम ये तीन चीज का हम यूज करते हैं मार्केट में. उसके बाद अगर हम बात करें फर्स्ट एसिडिफायर की, तो एसिडिफायर की जो फर्स्ट लाइन है वो है द पीएच ऑफ स्टमक इज 1.5 टू 2 व्हेन एम्प्टी. अगर खाली पेट है तो आपका पीएच ये होगा, ठीक है, व्हेन एम्प्टी. और राइज कर जाएगा पीएच अगर फूड होगा, तो नॉर्मल सी बात है तो 5 से 6 तक वो हो सकता है अगर फूड आपने खा रखा है. तो पीएच ऑफ स्टमक इज सो लो बिकॉज ऑफ द सेक्रेशन ऑफ एससीएल. जैसा कि आपको पता होगा गास्ट्रिक जूस सीक्रेट होता है, गास्ट्रिक जूस में एचसीएल प्रेजेंट है, तो वो एसिडिक पीएच को प्रोड्यूस करता है. तो गास्ट्रिक एचसीएल एक्ट बाय डिस्ट्रॉइंग ऑफ द बैक्टीरिया इन इंजेस्टेड फूड एंड ड्रिंक्स. इट सॉफ्टेंस द फाइब्रस फूड एंड प्रमोट्स द फॉर्मेशन ऑफ द प्रोटियोलाइटिक एंजाइम पेप्सिन. तो कह रहे हैं गास्ट्रिक एचसीएल एक्ट करता है बाय डिस्ट्रॉय करता है एक तो बैक्टीरिया को, जो हमारा जो हम खाना ले रहे हैं इंजेस्ट कर रहे हैं फूड और ड्रिंक्स में, उसके जो बैक्टीरिया होते हैं ना उसको डिस्ट्रॉय करता है. दूसरा क्या करता है, सॉफ्ट करता है फाइब्रस फूड को. फाइब्रस फूड कौन से होते हैं, कैरेट हो गई, जो भी फ्रूट्स हो गए मोस्टली वो फाइब्रस होते हैं, मतलब फाइबर ज्यादा होते हैं, तो उनको सॉफ्ट करता है डाइजेशन अच्छे होने के लिए, और प्रोमोट करता है फॉर्मेशन ऑफ प्रोटियोलाइटिक एंजाइम पेप्सिन, और पेप्सिन को फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है एचसीएल. तो एचसीएल के मेनली तीन फंक्शन इसमें बताए हैं, डिस्ट्रॉय करता है बैक्टीरिया को, सॉफ्ट करता है फाइबरस फूड को, और फॉर्मेशन ऑफ प्रोटियोलाइटिक एंजाइम पेप्सिन. अब पेप्सिन की बात कर रहे हैं, तो पेप्सिन एंजाइम इज फॉर्मड फ्रॉम पेप्सिनोजन. तो पेप्सिन एंजाइम बनता है पेप्सिनोजन से, और वो एसिडिक पीएच में बनेगा, तो इसमारे एचसीएल हेल्पफुल है इसके लिए, क्योंकि एचसीएल एसिडिक पीएच प्रोवाइड करता है, क्योंकि पेप्सिनोजन पेप्सिन में कन्वर्ट हो सके. तो ये उसका मतलब 6 से कम होना चाहिए तभी पेप्सिन बनेगा. और पेप्सिन हेल्प इन मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन इन इंजेस्टेड फूड. तो और ये मेटाबॉलाइज करता है प्रोटीन को पेप्सिन. देयरफॉर लैक ऑफ एचसीएल इन स्टमक कैन कॉज एक्रोराइडिया. तो अगर एचसीएल कमी हो जाएगी बॉडी में, मतलब स्टमक में, तो क्या होगा, उसे पेप्सिन नहीं बन पाएगा, जिससे प्रोटीन ब्रेक डाउन नहीं हो पाएगा, और वो एक डिसीज को कॉज करेगा जिसका नाम है एक्रोराइडिया, ठीक है. और उसके बाद टू टाइप ऑफ एक्रोराइडिया होता है हमारे पास. फर्स्ट क्या है, गास्ट्रिक सेक्रेशन इज डिवॉइड ऑफ एचसीएल इवन आफ्टर स्टिमुलेशन विद हिस्टामिन फॉस्फेट. एक तो हो रहा है कि गास्ट्रिक जो सिक्रीशन है ना वो हो ही नहीं रहा, ठीक है, अगर हमने मेडिसिन ले ली तब भी नहीं हो रहा, ठीक है. डिवॉइड मतलब होता है कि हो, प्रोड्यूस ही नहीं हो रहा, दूसरे में प्रोड्यूस नहीं हो रहा, पर सिक्रीट तब हो जाएगा जब हम दवाई ये हिस्टामिन फॉस्फेट ले लिया. फर्स्ट केस एक्सट्रीम है भाई, इसमें ना तेरा सिक्रीट नहीं हो रहा, ना तो हिस्टामिन फॉस्फेट लेने के बाद भी सिक्रीट नहीं हो रहा, ठीक है. दूसरे केस में क्या होगा, सिक्रीट हो जाएगा पर जब हम हिस्टामिन फॉस्फेट ले लेंगे. दो तरह के हो गई है. उसके बाद डाइल्यूट एचसीएल जो एक हमारा एसिडिफायर है उसका एग्जाम्पल है. तो अगर हम उसकी मॉलिक्यूलर वेट की बात करें तो वो है 36.5 आईपी लिमिट. इट कंटेन नॉट लेस देन 9.5% एंड नॉट मोर देन 10.5% वेट बाय वॉल्यूम ऑफ एचसीएल. डाइसेड शुड बी डाइल्यूटेड विद 25 टू 50 वॉल्यूम विद वाटर और जूस और सिप्ड थ्रू अ ग्लास ट्यूब टू प्रिवेंट रिएक्शन अपॉन डेंटल इनेवल. तो ये क्या कर रहे हैं, डाइल्यूट एचसीएल की बात कर रहे हैं. डाइल्यूट एचसीएल अब डाइल्यूटेड कैसे होगा, जब हम 20 से 25 वॉल्यूम ले लेंगे, मतलब पानी के साथ उसको बेसिकली मिक्स कर देंगे, जूस के साथ मिक्स कर देंगे हम, और हम ग्लास ट्यूब के द्वारा उसको हम सीधा उसमें स्टमक में हम डाल लेंगे, ठीक है. डाइल्यूट है तो इतना बॉडी को रिएक्ट भी नहीं करेगा, ठीक है. और इट्स टेकन ड्यूरिंग और आफ्टर मील, ये खाना खाते टाइम या फिर उसके हम बाद लेते हैं.
ठीक है। उसके बाद गिवन इन कंजक्शन विद आयरन थेरेपी इन हाइपर क्रोनिक एनीमिया। प्रिपरेशन कैसे होगा? इट इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग, ये कुछ आईपी की हमने वो फॉर्मेशन है कि प्रिपरेशन उसमें है, 8 to 74 ग्राम ऑफ एचसीएल और 726 ग्राम ऑफ प्योरीफाइड वाटर को मिक्स कर दीजिए तो आपको एचसीएल बन जाएगा लेने लायक। अब आपकी बॉडी में एचसीएल कमी है तो आपको बाहर से एचसीएल लेना पड़ेगा। बाहर से जो हम एचसीएल लेंगे उसकी सारी फॉर्मेशन और डिटेल है ये। उसके बाद अगर हम बात करें हमारा जो सेकंड था एसिडिफायर के बाद वो था एंटा एसिड, जो बेसिकली बेसिस होते हैं हमारे एल्कलीज होते हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं एसिड के जो पीएच होता है उसको न्यूट्रल कर देते हैं। तो एंटा एसिड क्या है? एंटा एसिड आर द ड्रग यूज्ड टू न्यूट्रलाइज द एचसीएल सिक्रेटेड इन स्टमक इन गास्ट्रिक जूस। तो ये वो ड्रग्स होते हैं जो यूज करते हैं टू न्यूट्रलाइज द हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। न्यूट्रलाइज करते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड को वो जो सिक्रेट होते हैं स्टमक इन गास्ट्रिक जूस में, ठीक है। दे राइज द पीएच ऑफ गास्ट्रिक कंटेंट टू अबव 3.5। तो ये डेफिनेटली 3.5 से ऊपर देंगे पीएच को और देंगे कुछ सिम्पैथोमेटिक रिलीफ ऑफ पेन, ठीक है। आपको पेन से भी छुटकारा मिल जाएगा बाय लोअरिंग द एसिडिटी, एसिडिटी कम कर देगा, ठीक है, और मसल स्पाज्म को भी कम कर देगा। दे डू दिस बाय एक्टिंग एज वीक बेसिस, जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि ये वीक बेसिस होते हैं बेसिकली जो हम बाहर से लेते हैं एसिडिटी को नॉर्मल करने के लिए। आइडल प्रॉपर्टी क्या होना चाहिए एंटासिड की, मतलब कैसा होना चाहिए एंटासिड? वो है कि एन आइडियल एंटासिड शुड नॉट हैव एनी साइड इफेक्ट, कोई साइड इफेक्ट नहीं होने चाहिए, ठीक है, और नॉट कॉज इफ एड्सॉर्ब सिस्टमिक एल्कलोसिस, ठीक है। कोई मतलब इसका कोई वो कॉज नहीं होना चाहिए, अगर एब्जॉर्ब भी हो गया सिस्टमिक एल्कलोसिस नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सिस्टमिक एल्कलोसिस क्या होती है? इन दिस कंडीशन द पीएच ऑफ बॉडी फ्लूड एंड टिश्यू इज हाई, जिसमें पीएच ऑफ बॉडी फ्लूड और टिश्यू का भी मतलब कोई इफेक्ट नहीं आना चाहिए उस पर भी, और प्रेसिपिटेशन कोज नहीं करनी चाहिए, और इट शुड नॉट इंटरफेयर विद एब्जॉर्प्शन ऑफ अदर ड्रग। अगर हमने भाई के साथ कोई और ड्रग लिया बीपी या शुगर की तो उसके संग इंटरेक्ट करके उसको खराब नहीं करना, ये नहीं उसे स्पॉइल कर दिया फिर उसके इफेक्ट को कम या ज्यादा कर दिया, तो इस बात का मेजरली ध्यान रखना है। उसके बाद इन द केस ऑफ एंटा एसिड द एसिड न्यूट्रलाइजिंग कैपेसिटी इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि सारा खेल इसी पे है एसिड न्यूट्रलाइजिंग कैपेसिटी में, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है मेजर करना। दिस में बी डिटरमाइंड बाय अलोइंग द एंटासिड टू रिमेन इन कॉन्टैक्ट विद 0.1 मोलर एचसीएल एट 37 डिग्री सेल्सियस इन द थर्मोस्टेटिकली कंट्रोल्ड बाथ एंड मेजरिंग द पीएच एट सक्सेसिव टाइम इंटरवल। तो क्या हम कैसे डिटरमाइन करेंगे? अलाउ कर देंगे एंटासिड को जो भी हमने प्रिपरेशन बनाई है कि उसको कॉन्टैक्ट में रख देंगे 0.1 मोलर एचसीएल के साथ 37 डिग्री सेल्सियस। क्यों कराया हमने? क्योंकि 37 डिग्री सेल्सियस हमारा बॉडी टेम्परेचर होता है और 0.1 मोलर हमने एचसीएल ले लिया, मतलब उसको बॉडी जैसी कंडीशन दी तो हम देखते हैं कि वो कितना इफेक्टिव काम करता है लैब्स में, तो हमने ये सेटअप किया, ठीक है। तो लैब्स में ये सेटअप किया हमने, एचएल संग उसको रखा और 37 डिग्री हमने मेंटेन कर दिया टेम्परेचर। उसके बाद कंट्रोल्ड एक बात है एंड मेजर द पीएच एट सक्सेसिव टाइम, और बार बार उसका हर सक्सेसिव टाइम मतलब हर 5 मिनट में हर 10 मिनट में हमने उसका पीएच चेक कर लिया। और फाइनली कंसेंट्रेशन ऑफ एसिड इज आउट बाय डिटरमाइनिंग द रिमेनिंग एसिड बाय टाइट्रेशन विद 0.1 नॉर्मल 1 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड आफ्टर 1 आवर। तो एक घंटे बाद हमने क्या करा, उसको टाइट्रेट कर दिया 0.1 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ NaOH के साथ, तो उससे पता पड़ जाएगा कि वो कितना इफेक्टिव था। उसके बाद अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ एंटासिड की तो ये दो में है, एक तो है नॉन सिस्टमिक, एक है सिस्टमिक। जैसा कि वर्ड बता रहे हैं नॉन सिस्टमिक मतलब होता है कि जो डायरेक्टली एक्ट करे उसी जगह पे विदाउट गेट इन टू आवर सिस्टम, मतलब हमारा सिस्टम कौन सा है, हमारा ब्लड, तो बिना ब्लड में आए वो डायरेक्टली न्यूट्रलाइज कर दे एसिड को, ठीक है। तो पहले की डेफिनेशन यही है हमारी, दीज डायरेक्टली न्यूट्रलाइज द एसिड इन स्टमक गिव रिलीफ इन गास्ट्रिक एंड ड्यूडेनल अल्सर, अल्सर ठीक है उसको रिलीफ करता है अल्सर में। एग्जांपल हो गया इसका एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल, ये भी हम पढ़ेंगे डिस्कस करेंगे डिटेल में। ड्राइड एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल, एल्यूमिनियम फॉस्फेट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट, लाइट एंड हैवी मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैगल्ड्रेट, कैल्शियम कार्बोनेट, बिस्मिथ सुब्रमोनेट। दूसरा है हमारे पास सिस्टमिक एंटासिड। सिस्टमिक एंटासिड वो होता है दोस्तों जो सीधा हमारे वो ब्लड में जाके और उनके रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर सकती है, या फिर जो साइट ऑफ एक्शन है जहाँ से प्रोडक्शन हो रहा है वो एसिड का वहाँ पे अटैक कर सकती है, सीधा वो सेल्स को डैमेज कर देगी जो सिक्रीट कर रहे हैं एसिड को, वो होता है सिस्टमिक, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें कॉम्बिनेशन ऑफ एंटासिड की बनती कैसे, फर्स्ट हम 3 कॉम्प्लिकेशन यूजली सीन, हम 3 दिक्कतें देखते हैं जब हम एंटासिड यूज करते हैं। फर्स्ट क्या है, एक एंटासिड एग्जिट एंड एक्शन ऑन बोवल, ये हमारा जो वेस्ट मटेरियल निकलता है उस पर इफेक्ट करती है। फॉर एग्जाम्पल सम हैव माइल्ड लैक्सेटिव इफेक्ट, कि किसी किसी का लैक्सेटिव इफेक्ट होता है, ठीक है, जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड अगर हम लेंगे, या फिर सम कॉन्स्टिपेशन भी कर देता है। लैक्सेटिव और कॉन्स्टिपेशन बहुत अपोजिट है ना, क्योंकि लैक्सेटिव में क्या होता है बबल जल्दी निकलता है, पर कॉन्स्टिपेशन वो कंडीशन होती है जिसमें हमारा बबल हमारा जल्दी जल्दी नहीं निकल पाता, मतलब कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। उसके बाद गाइस अगर हम बात करें सेकंड तो वो है इफ द कैटाइन इज एडजॉर्ब्ड, अगर कैटाइन आ गया तो सिस्टमिक एल्कलोसिस हो सकती है। हमने देखा था सिस्टमिक एल्कलोसिस क्या होती है, जब पीएच ऑफ बॉडी फ्लूइड एंड टिश्यू का हाई हो जाता है, ठीक है, तो उसमें भी नहीं होना चाहिए इसका इंटरफेरेंस। उसके बाद अगर हम देखें तो इफ डाइस्पिया मतलब इंडाइजेशन लीडिंग टू गैस फॉर्मेशन इन द गट इज प्रेजेंट, यूज ऑफ ड्रग लाइक मिथाइल पॉलीसिलोक्सेन इज नेसेसरी, देयरफॉर बिकॉज ऑफ डिफेक्ट एसोसिएटेड विद द एंटासिड आर डिस्कस्ड इन द प्रीवियस पैराग्राफ। तो जैसे कि हमने प्रीवियस पैराग्राफ में डिस्कस किया था, इट इज अपेरेंट दैट इट्स विशर टू यूज अ
कॉम्बिनेशन ऑफ एंटी एसिड सो डेट द डिफेक्ट कैन मिनिमाइज्ड। तो हम क्या करते हैं भाई, वो इफेक्ट को, ये जो हमने तीन इफेक्ट पढ़ी थी, ये तीन इफेक्ट पढ़ी थी, पहला था कि वो बावल पे वो करती है कि कॉन्स्टिपेशन कर देती है, फिर लग्जेटिव इफेक्ट दे देती है। दूसरा हमने पढ़ा था कि वो एलकलोसिस कर देती है। तीसरा हमने पढ़ा था कि गैस फॉर्मेशन कर देती है गट में। और फिर हमने क्या करा, इन दिक्कतों से हम छुटकारा पाने के लिए हमने कंबाइन कर दी दो तीन सोल्ट को, जैसे कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड को हमने मिक्स कर दिया और बैलेंस कर दिया कॉन्स्टिपेशन और लग्जेटिव को। जैसा कि हमने देखा था कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड लग्जेटिव इफेक्ट देती है और एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड कॉन्स्टिपेशन इफेक्ट देती है, तो अगर हमने दोनों को मिक्स कर दिया तो दोनों का एक्शन न्यूट्रलाइज हो गया। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप यू लाइक इट एंड द कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस इज क्लियर टू यू। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्रेस द लाइक बटन एंड शो यू लव, एंड इफ यू आर नॉट आवर फैमिली सो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट एनी सजेशन फॉर आर न्यू टॉपिक। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे कनेक्टेड एंड keep studying.